नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ आलू पराठा की रेसिपी, वो भी ना बिल्कुल नए तरीके से इसे हमने बनाया है। स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। 5 से 6 हमने यहाँ पे उबले हुए आलू लिया है और फिर इसे ना गैस पर जाली रख कर और फिर इसे आपको रोस्ट कर लेना है, गैस पर पका लेना है इस तरह से। तो काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो जाता है और इसका टेस्ट ना बहुत ही अलग आता है जब आप इस तरह से आलू पराठा इसके बनाओगे। तो फ्लेम को ऑन कर लिया था हमने और इस तरह से बीच में आपको पलट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसे पलट भी लिया है और फिर इस तरह से हमने यहाँ पे इसे रोस्ट कर लिया है, यानी कि ये काफ़ी अच्छे से गैस पे पक गया है। फ्लेम को हमने बंद भी कर दिया है और फिर उसे ठंडा होने देंगे आलू को। फिर यहाँ पे गेहूं के आटा हमने लिया है और फिर नमक लेंगे स्वाद अनुसार। अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए आप डाल लीजिए। फिर रिफाइंड तेल डालेंगे 1 चम्मच और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अजवाइन जब हाँ इस तरह से आटे में डाल के पराठे बनाते हो तो। फिर पानी थोड़े थोड़े ऐड करते हुए ना इसका आटा लगा लीजिएगा। बिल्कुल नॉर्मल आटा लगाना है, जैसे रोटियों के लिए सॉफ्ट लगाते हैं ताकि रोटियाँ सॉफ्ट बनती हैं, उसी तरह से आटा भी लगा कर हमने ढक कर रख दिया है रेस्ट करने के लिए। तो 4 से 5 मिनट काफ़ी होता है रेस्ट करना। और यहाँ पे आलू काफ़ी अच्छे से रोस्ट होने के बाद ठंडा हो गया तो इसके छिलके को निकाल लेंगे हम। तो सारे आलू हमने यहाँ पे छिलके निकाल लिया है, फिर हाथों से मैश कर लेंगे। या मैसर से आप कर लो या ग्रेट कर लो, ग्रेट भी कर सकते हो आप इसे। हमने हाथों से ही इसे अच्छे से मैश कर लिया है। फिर यहाँ पर हमने ना गार्लिक लिप्स लिया, इसके पराठे भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल जो गार्लिक हम इस्तेमाल करते हैं ना लहसुन का, उसका इस्तेमाल हमने किया। अदरक ली हूँ, फिर 2 हरी मिर्ची लेंगे, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। फिर गार्लिक लिप्स डाल लीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। फिर यहाँ पे जीरा डालेंगे, रोस्ट किए हुए धनिया डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से खलपट्टे में हमने डाल लिया है और फिर इसे ना हमें इस तरह से क्रश कर लेना है, कूच लेना है, अच्छे से क्रश कर लेना है आपको। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्रश कर लिया है इसे और फिर हम इसे आलू में इसे डालेंगे, इस मसालों को। तो इन मसालों को आप इस तरह से आलू में डाल लीजिए और फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो 1 हमने प्याज को बारीक काट के ले लिया है और फिर इसमें डालेंगे चाट मसाला, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो आप, और फिर यहाँ पे रेड चिली पाउडर, तीखा अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर यहाँ पे नींबू का रस डाली हूँ, धनिया पत्ती ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और गरम मसाला भी ऐड कर लीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। और स्टफिंग बनकर एकदम मज़ेदार वाला स्टफिंग बनकर तैयार है, बिल्कुल एकदम नया। तो यहाँ पे आटा भी जो है ना वो रेस्ट कर चुका है। तो इस तरह से हाथों से थोड़े से मसल लीजिए, फिर छोटे छोटे बॉल लेकर सूखे आटे में लपेट लीजिए इसे और आपको इस तरह से बेल लेना है। फिर कटोरी की तरह ना बेलना नहीं है, कटोरी की तरह आप इसे बना लीजिए पहले, क्योंकि हमें स्टफिंग डालना है। तो स्टफिंग फिर इस तरह से लेकर और अच्छे से स्टफ कर लीजिएगा आलू को, काफ़ी अच्छे से स्टफ कर लीजिएगा। तो फिर से मैंने दोबारा ले लिया था और अच्छे से स्टफ कर लिया। जब आलू में आलू के पराठे में जब आलू अच्छे से पता नहीं चलता है तो मज़ा नहीं आता है आलू के पराठे में। इस तरह से आराम से गोल गोल घुमाते हुए लॉक कर लीजिए, सूखे आटे में लपेट के इसे बेल लीजिए। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हमने इसे बेल लिया है, फिर तवे पे डालकर इसे अलट पलट करके सेक लीजिए, घी या तेल डालकर इसे आप पराठे को सेक लीजिए। एकदम टेस्टी, बहुत ही अलग तरह से हमने यहाँ पर रोस्टेड आलू पराठा बनाया है जो आपको ना बिल्कुल अलग सा टेस्ट ये देने वाला है, एकदम अलग सा। बहुत तरह के आलू पराठे खाए होंगे पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सारे पराठे हमने सेक लिया, सर्व की हूँ दही और आम के अचार के साथ सर्व की हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, एकदम लाजवाब टेस्ट होता है। तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे मैं तोड़ के भी आपको दिख रहा, बहुत ही अंदर की फीलिंग काफ़ी अच्छे से दिख रही है एकदम। इस तरह से आप ना एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, एकदम अलग टेस्ट होता है और गजब कमाल का टेस्ट होता है। तो इसी तरह से फिर से नई नई रेसिपी लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो इसी तरह से मेरे फ्रेंड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।